आजकल की गलत लाइफ स्टाइल की वजह से या गलत खान पान की वजह से या कई बार इन्फेक्शन की वजह से या कई बार बच्चेदानी में सूजन की वजह से कई सारी समस्याएं होती हैं और बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है। इन सभी वजहों से बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है, इससे कई बार पीरियड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सारी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेन सर्किल। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूँगी कि अगर आपकी बच्चेदानी कमज़ोर हो रही है तो उसका क्या क्या कारण है और आप क्या उपाय कर सकती हैं। तो ये सारे कारण जो मैंने शुरू में बताए, ये सभी कारण, इनमें से कोई एक भी कारण हो सकता है जिस वजह से आपकी बच्चेदानी कमज़ोर हो रही हो। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान दे लीजिएगा, अपनी डाइट पर ध्यान दे लीजिएगा। डाइट में बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, ताज़े फल ज़्यादा खाएं और कम तेल और कम मसाले वाले खाने आप खाएं, और बाहर के जो फूड होते हैं उनसे आप बचें ज़्यादा से ज़्यादा। पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड जो भी होते हैं उससे आप दूर रहें या कम से कम खाएं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कारण मैंने बता दिया शुरुआत में ही कि आपको क्या क्या कारण की वजह से हो सकता है, तो आप उन कारणों से भी दूर रहने की कोशिश करें। और उसके अलावा आप एक्टिव रहें, आप अपने आप को मेंटेन रखें, वेट ज़्यादा ना होने दें। इसके लिए आप वॉक ज़रूर करें, घर के काम आप खुद कर सकती हैं छोटे मोटे, या आप झाड़ू पोछा खुद कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। खास करके पेट वाले जो एरिया होता है उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। अगर आप बैठ के पोछा लगाएंगी या बैठ के झाड़ू लगाएंगी तो अपने आप आपके पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छा उपाय कर सकती हैं, एक बहुत ही हेल्दी चाय आप ले सकती हैं जिससे आपकी बच्चेदानी को मजबूत होने में, स्वस्थ होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वो चाय है तेज पत्ते की चाय। आपको सबसे पहले जो तेज पत्ता आपको लेना है उसको कंफर्म करना है कि वो असली है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें आने लगी हैं, तो उसमें तेज पत्ता भी कोई दूसरे पेड़ के पत्ते लोग बेच देते हैं। तो आप पहले ये कंफर्म कर लें कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सुबह खाली पेट आपको लेना है, आपको एक ग्लास पानी लेना है, उसको पैन में आप डाल लीजिए, और उसके बाद आपको तेज पत्ते के दो पत्ते लेने हैं। अगर बड़ा पत्ता है तो आप दो ले लीजिए, अगर छोटा है तो आप 3 से 4 पत्ते ले सकते हैं, और उसको अच्छे से धो लीजिए। फिर उसी पानी में आपको डाल देना है, और उसके बाद इसको खूब अच्छे से बॉईल करिए। जब ये आधा रह जाए तब आप इसको छान लीजिए और आप इसको सिप कर करके घूट घूट आप इसको पीजिए। ऐसा जब आप डेली करेंगी तो आपकी बच्चेदानी बहुत जल्दी हेल्दी होने लगेगी। अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो भी सही हो जाएगा, सूजन को भी ये धीरे धीरे कम कर देगा। और अगर बच्चेदानी पे आपके चर्बी इकट्ठा होने लगी है, फैट बनने लगा है, वहाँ पे जमने लगा है, तो उसको भी ये धीरे धीरे कम कर देगा। अब आपको इसको कम नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं, सिर्फ अपनी बच्चेदानी को हेल्दी करना है, तो आप इसको पूरे महीने ले सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप इसको इम्प्लांटेशन के टाइम में मत लीजिएगा। जैसे कि आप जब आपका पीरियड का 15वां से 20वां दिन जब लगे तब आप इसको बंद कर दीजिए, अगला पीरियड मिस होने तक या आने तक। अगर मिस हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिस होता है तो आप फिर कंटिन्यू इसको कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको हर महीने लेना है, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं तो आप पूरे महीने इसको ले सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।